गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग मीडियन माध्यान कैसे ज्ञात करते हैं वो जानेंगे। क्वेश्चन दिया रहता है ये, जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये दोनों चीज दिया रहेगा, जिसमें इसमें दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन करते समय हम लोग पहले हल सॉल्यूशन करते हैं, जो दिया हुआ है उसको उतारते हैं। सी आई ये दिया हुआ क्लास इंटरवल, इसके साथ में एफ फ्रीक्वेंसी, इसको एफ से डिनोट करते हैं, ये दिया रहेगा। सी आई में दिया हुआ है 82, 79, 60, 2, 69, 50, 2, 59, 40, 2, 49, 30, 2, 39, 20, 2, 29, 10, 2, 19, 3, 2, 3, 5, 4, 3, 2, ये दिया रहेगा। इसे हम लोग सबसे पहले n इसको ऐड करते हैं, देखते हैं 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 15, 4, 19, 3, 22, 2, 24, ये 24 निकला होगा। अब हम लोग इसको देखते हैं इसका सूत्र में, फॉर्मूला में। इसका जो सूत्र है मीडियन निकालने का वो ये है, मीडियन को एम डी से डिनोट करते हैं, एल लोअर लिमिट एन बाय टू माइनस एफ सी एफ ए बाय एफ इंटू सी आई, ये दिया रहेगा। जिसमें एल क्या है, एल इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, मीडियन क्लास, एन बाय टू हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाफ ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, एफ फ्रीक्वेंसी और सी आई साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ये है और सी एफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग का दिया रहेगा। जिसमें अब हम लोग देखते हैं किस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी नहीं तो उसको निकालते हैं सी एफ। इसके लिए ध्यान देना होगा कि सी आई जो क्लास इंटरवल है वो हम लोग दो तरह से दिया है। एक ये दिया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऊपर से नीचे घटते क्रम में, और एक रहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते रहेगा। तो जब ये घटते क्रम में देंगे तो यह जब संचय आवर्ती निकालते हैं तो इसको नीचे से जोड़ते हैं, जैसे दो, ये जस्ट कतस उतरेगा पहला। दूसरा हम देखते हैं 2 + 3 = 5, उस तरह से थर्ड में 5 + 4 एक दूसरे से जुड़ता है 9, उसके बाद 14, फिर इसमें 3 = 17, 19, 21, 24, ये जो इसका अपर है और इसका ये सेम होना चाहिए। अब इस सूत्र से हम लोग देखते हैं उसमें फॉर्मूला में, तो जो फॉर्मूला है आधार पर हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग को n बाय टू निकालना है, n बाय टू
24 बाय 2 इक्वल टू 12 ये निकल गया। अब इसको ध्यान रखना है, इसी के आधार पर हम लोग का मीडियन क्लास निकलता है। 12 जो आया n बाय 2 उस देखते हैं कि यहां पर संचयवर्ती में 12 जो 12 निकला है उससे अधिक या बराबर तो कौन है देखते हैं 14। तो इसके ठीक सामने का जो वर्ग है 14 वो हो गया मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हम लोग को निकला 49। ये आया, इसको हम लोग कंटिन्यूअस में बदल देते हैं तो इसमें 0.5 घटाते हैं, 40 में 0.5 घटाते हैं तो कितना होगा 39.5। इसमें 0.5 छोड़ दिया जाता है कंटिन्यूअस में बदलने के लिए, तो ये निकल गया। हम ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, लोअर लिमिट हो गया और ये अपर लिमिट। अब इसी के आधार पर ये होगा। अब हम लोग इससे निकालिए तो L हम लोग निकाले तो इसमें L जो है लोअर लिमिट वो हो गया 39.5, मतलब मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वो L आ जाएगा। फिर N निकल गया, L निकल गया, CF CFA हम लोग क्या देखते हैं कि जो संचय आवृत्ति है उसमें मीडियन वर्ग का जो संचय आवृत्ति 14 है उससे ठीक नीचे, इससे ठीक नीचे मतलब ये 9, ये होगा CFA मतलब 9 CFA लिखिएगा इससे नीचे का। अब F क्या हम लोग देखते हैं, जो F है वो संचय जो मीडियन वर्ग है या संचय जो हम लोग का मेन है उसके ठीक सामने का जो है मीडियन संचय आवृत्ति के ठीक सामने का जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है वो होगा 5। क्लास इंटरवल हम लोग इसमें से 39.5 में 49.5 से 39.5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को से घटाते हैं तो आता है 39.5 इसको घटाते हैं तो 10। ये हम लोग निकाल लेते हैं, लो ए निकल गया, सीएफ निकल गया, ये निकल गया, ये सभी का मान उस फॉर्मूला में रखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं एमडी मीडियन वर्ग, मीडियन निकालने के लिए सूत्र है एल, एल के जगह में कितना हम लोग का हम लोग निकाले हैं 39.5 प्लस एन बाय 2 आ रहा है 12। सीएफ कितना है, सीएफए क्लास कम्युनिटी क्लास फ्रीक्वेंसी 9 और बाय एफ कितना है 5, सीआई कितना 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 39+10 उतरेगा 5, से कट जाएगा 2, 12 में कटेगा 3 तो प्लस इसे घटाएंगे तो 3 × 2 तो 39.5 प्लस ये 6 ये घट के जो एड हो जाएगा 45.5 मतलब मीडियन हम लोग का इतना आया 45.5। अब हम लोग जब भी मीडियन निकालते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि जो क्लास इंटर जो दिया रहेगा डाटा उस डाटा को उतारना है फिर उसमें संचय आवृत्ति निकालना है और उस फॉर्मूला के आधार पर हमें निकालना है, एल निकालना है, एन बाय टू निकालना है, सी एफ ए निकालना है बाय एफ इंटू सी आई। अभी जो निकाल लेंगे उसके बाद उसमें रखेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मीडियन आज हम लोग निकालें में नीचे से ऊपर की ओर संचय आवृत्ति जो है। धन्यवाद, आज हम लोग यहीं तक।